हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू आर डूइंग गुड। सो निकल चुका हूँ मैं काफ़ी टाइम बाद अपने एक नए रोड ट्रिप पे, और इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो आज डेट है 11th of May एंड टाइम हो चुका है रात के 2:50 पे, और जो मेरी ट्रिप है वो आपने टाइटल देख के समझ ही गए होगी। मैं जा रहा हूँ अयोध्या, बनारस और प्रयागराज। सो गाइज हमारी गाड़ी चल चुकी है अभी 94 किलोमीटर्स के अप्रोक्स, एंड अभी हमें 1.5 घंटा हो चुका है घर से निकले हुए। आगरा का टोल कटा है, पहले वाला मथुरा का टोल कटा था, दो टोल कट गया एक्सप्रेस वे पे, एक मथुरा का एक आगरा का। यहाँ से निकल लेंगे, ये यमुना एक्सप्रेस वे खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से हम निकल लेंगे 21 किलोमीटर बाद लखनऊ एक्सप्रेस चढ़ जाएंगे। सो गाइस अभी हमारा ये आगरा का लास्ट टोल है, आगरा एक्सप्रेस वे यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो आगे मिलते हैं आपको लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो गाइस यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और हमारा यमुना एक्सप्रेसवे खत्म हो चुका है, और अगर हम आगे से लेफ्ट मुड़ेंगे तो हमारा शुरू हो गया है लखनऊ एक्सप्रेसवे। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, और हम चढ़ चुके हैं अब लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। अब ये 300 किलोमीटर का लंबा हाईवे है, देश का सबसे लंबा हाईवे 300 किलोमीटर का, सोचो इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे। 100 की स्पीड है मात्र, बंदा 100 से ऊपर 120-140 मालूम पड़ती है। कन्नौज 199, लखनऊ 317 है, हमें लखनऊ क्रॉस करना है। गाइस करीब 5 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम रुके हैं लखनऊ से पहले, तो ये जो फास्ट फूड कॉर्नर, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए और थोड़ा खाना पीना खाने के लिए। तो हम रात को 3 बजे निकले थे करीब, और 3 बजे के बाद अब 8 बज रहे हैं, और 8 बजे हम रुके हैं नॉन स्टॉप, हमारी गाड़ी चलती रही है। एक दो बार बीच में रुके हैं 2-4 मिनट के लिए, बट ऑफिशियली ये हमारा पहला ब्रेक है। और लखनऊ यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है, तो अभी 1.5 घंटा लग जाएगा लखनऊ पहुँचने में, और करीब 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे अभी हमें अयोध्या पहुंचने में। तो आज हम पहले अयोध्या जाएंगे, कल हम फिर मॉर्निंग में अयोध्या से बनारस के लिए निकलेंगे। तो फटाफट से कुछ खाते पीते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये रही हमारी गाड़ी, सो ये रही अपनी गाड़ी जो अभी तक यहाँ तक पहुँचाया है जिसने हमें। इस पर शीशे पे मच्छर मर गए काफ़ी सारे रास्ते में, तो शीशा क्लीन करना है एक। अरे हमारी बहना रानी बड़ी शानी यानी मम्मी हीरोइन बन के घूम रही है आज। हम कहाँ जा रहे हैं? बनारस। मम्मी बनारस तो कल जाएंगे, आज कहाँ जा रहे हैं? अच्छा 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 अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं आज हम। तुम्हें कहाँ जाना? तुम्हें हम यहीं छोड़ जाएं? मैं तो अपनी बुआ के घर जा, लखनऊ में हमारी बुआ रहती है, तो बुला भी रही थी इसको, वहाँ फेंक देते हैं रास्ते से। मैं अपनी बुआ के पास चली जाती हूँ अगर ऐसी बात है तो। हाँ तू निकल यहाँ से, पहली फुर्सत से निकल। मम्मी खाना पीना ले लिया? हाँ ले लिया। हमारी मम्मी बेचारी रात को 1 बजे उठ के खाना पीना बना के लेके आई है बहुत सारा, कि रास्ते में हमारे बच्चे भूखे ना रहे। आज मैग्नेट चलाने का सबसे ज्यादा मजा आया है भाई, 17.5 की एवरेज दे रही है, आधी टंकी हुई है। दिल्ली से हम करीब 350 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, फरीदाबाद से पूरी 350 किलोमीटर चल चुकी है और आधी टंकी हुई है, बहुत सही एवरेज मिल रही है। गाड़ी भगाने में मज़ा आ रहा है इस टाइम पे, और एक्सप्रेस वे पे गाड़ी भगाने का मज़ा अलग ही है, आप लोगों को पता ही है। और अभी हमने 2 एक्सप्रेसवे कवर कर लिए हैं, पहला यमुना एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली से आगरा के लिए है, और दूसरा अभी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे चल रहे हैं जो आगरा से लखनऊ के लिए, जो कि 100 किलोमीटर बचा है। ये मेरी बहन है जो मेरे साथ जा रही है, ये मेरी मम्मी साथ में जा रही है, एक हमारे पिताजी भी हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो गाड़ी में पिताजी के सामने व्लॉग करने में से धक धक हो रही है कि उड़ती हुई चप्पल पीछे से कब आए, तो इसलिए हम गाड़ी में ज़्यादा व्लॉग व्लॉग नहीं कर रहे हैं। तो अभी वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो हम साइड में आके व्लॉग बना रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हो? कपड़ा मार ले, मच्छर जो मरे हैं इतने सारे इस पे रास्ते में। तो आपको किस लिए लेकर आए हैं? हम तो ड्राइवर हैं जी। ड्राइवर का क्या काम होता है? कपड़ा मारना, लोगों को, ग्राहकों को पहुँचाना उनकी जगह तक। गुड गुड, अच्छा काम कर रहे हो। अच्छे से चमक जानी चाहिए गाड़ी, अच्छे से चमकाओ, अच्छे से
हम खुश होंगे तो आपको 10 रुपए दे देंगे। धन्यवाद मैडम। सो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं कि रास्ते में हम चल तो रहे थे और कितने सारे मक्खी मच्छर शायद आपको दिख रहे होंगे, कितने सारे मक्खी मच्छर मरे पड़े हैं यहाँ पे। इफ यू सी भाई, दुनिया भर के मक्खी मच्छर रात में यहाँ चिपके पड़े हुए मरे हुए। ये देखो सामने की तरफ नेम नंबर प्लेट पे भी, और ये पूरा मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर, दोनों तरफ पूरे मच्छर ही मच्छर चिपके पड़े हैं भाई। गंदा हाल है मच्छरों का। रास्ते में बाइक पे होते हैं तो भाई हेलमेट पूरा चिपक जाता है, गाड़ी में शीशे बोनट आगे बम्पर सब में मच्छर ही मच्छर चिपके पड़े हैं। मम्मी जो खाना वगैरह लेकर आई थी वो खा पी लिया है हम सब ने, और अब यहाँ से निकलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं अयोध्या के लिए। हमारा लखनऊ एक्सप्रेसवे खत्म हो गया है और इस टाइम हम भी लखनऊ में है और कुछ किलोमीटर हमें लखनऊ के अंदर से निकलना पड़ेगा। लखनऊ एक्सप्रेसवे एक चीज हो गई, हमारी स्पीड 125 किलोमीटर पे कैप्चर हो गई कैमरे में और शायद चलान आ सकता है। अब पता नहीं कितना भारी चलान आएगा, जिसको पता है भाई चलान कितने रुपए तक का आता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। लगता है ट्रिप के पहले ही दिन ही नुकसान हो गया है, ट्रिप थोड़ी महंगी हो जाएगी, अब बजट थोड़ा कम हो जाएगा हमारा ट्रिप का और ट्रिप महंगी हो जाएगी। अयोध्या जाने के लिए लखनऊ से आप जाओगे तो भाई लखनऊ के अंदर से पूरा अंदर से लेके जाएगा ये। मतलब मैं लखनऊ तक आया हूँ आज से पहले, लखनऊ से आगे आज पहली बार जा रहा हूँ अयोध्या की तरफ, तो पूरा की पूरा कितना लखनऊ शहर घुमा रहा है, अंदर से पूरा रास्ता निकल के जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई लखनऊ शहर के अंदर कितने किलोमीटर तक घुमाएगा ये, मुझे लग रहा है 20-25 किलोमीटर तक तो ऑलमोस्ट घुमा ही देगा ये, 10-15 किलोमीटर तक होगा यहाँ को लखनऊ के अंदर अंदर से निकलते निकलते। और अभी लग रहा है कि भाई और घूमेगा थोड़ा 10-15 किलोमीटर, और मेरे आगे एक फरीदाबादी गाड़ी जा रही है, रेड कलर की पुरानी वैगनार फरीदाबाद नंबर। किसी दूसरे शहर में जाके अपने शहर की सेम नंबर प्लेट की गाड़ी देखो ना, सेम उसके सेम शहर की गाड़ी देखो तो अच्छा लगता है ये भाई वो भी अचारे क्या हम भी अचारे क्या वाले। सो गाइस करीब 9 से 10 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं अयोध्या, और आप देख रहे हो यहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है अयोध्या में। इस टाइम पे सारे रोड्स खुदे हुए हैं, सीवर लाइंस बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होटल्स और धर्मशालाएं बन रही हैं। आप लेफ्ट साइड देखो राइट साइड देखो, बड़े बड़े मेजर लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं इस टाइम पे। इसके बाद हम यहाँ से पहुंचते हैं बिरला धर्मशाला जहाँ पर हमारा स्टे होता है। बिरला धर्मशाला में कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, वहाँ हमें जाके ही पता करना होता है कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा रूम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो और लकीली हमें वहाँ रूम मिल गया था और बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड रूम था। पूरी एक नई बिल्डिंग बनी थी बिरला धर्मशाला में जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी। तो वो अपना पूरा रूम टूर और अयोध्या का टूर मैं अपनी आने वाली वीडियोज में आपको कराऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में।